सो फ्रेंड, आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ सैमसंग के ऐसे 5 सीक्रेट कोड के बारे में जो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल हो सकते हैं अगर आप सैमसंग का एक न्यू डिवाइस लेना चाहते हैं या आप एक सैमसंग का सेकेंड हैंड डिवाइस लेना चाहते हैं। तो आप अपने डिवाइस को किस तरीके से चेक कर सकते हैं, उनके कुछ कोड्स होते हैं, उन सारी कोड्स को मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। तो इस कोड्स के थ्रू आप बहुत ही आसानी से अपने डिवाइस के हेल्थ को चेक कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर को, हार्डवेयर को और बैटरी लेवल को भी आसानी से चेक कर सकते हैं। तो ये कोड आपके बहुत यूज़फुल हो सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, बात करते हैं इन्हीं कोड के बारे में। तो हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ विवेक, आप देख रहे हैं शर्मा जी ब्रदर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो फ्रेंड चलिए चलते हैं हमारे पहले कोड की तरफ। तो उसके लिए हम चले जाएंगे हमारे फ़ोन पर और यहाँ पे हमें डायल करना है *#7353#। तो जैसे ही हम इसे हैज़ पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारे सामने एक पेज ओपन हो जाएगा। अच्छा, सारे कोड्स मैं आपको यहाँ पे अवेलेबल करवा दूंगा तो आप बड़ी आसानी से उन्हें देख भी पाएंगे। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे सबसे ऊपर आपको मिल जाएगा मेलोडी का। तो जैसे ही आप इसे टैप करेंगे तो आपका जो मेन ईयर पीस होता है उस पर आपको एक सॉन्ग स्टार्ट हो जाएगी। उससे मैं आपको यहाँ पर फ़ोन के माइक पर बता देता हूँ। आई होप आप लोग को ये अच्छे से सुनाई दे रहा होगा। तो इसके थ्रू आप अपने मेन जो ईयर पीस है उसको चेक कर पाएंगे। सेकंड आता है वाइब्रेशन की बारी। तो जैसे ही हम वाइब्रेशन पर क्लिक करेंगे तो आप ये महसूस कर सकते हैं कि मेरा फ़ोन वाइब्रेट कर रहा है। आई होप आपको इसकी आवाज़ आ रही हो। ये देखिए, तो इससे आप अपने फ़ोन के वाइब्रेशन को चेक कर सकते हैं जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका फ़ोन का वाइब्रेशन सही है। उसके बाद बात आती है स्पीकर की। तो ये है हमारा मेन स्पीकर और आप इसका साउंड सुन सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पे डीम की। तो आप देख सकते हैं कैमरे में आपको अच्छे से समझ में आएगा कि नहीं आएगा मुझे नहीं पता फ्रेंड्स, बट आप देख सकते हैं जैसे ही आप मैं डीम पे क्लिक करता हूँ तो मेरा जो स्क्रीन है वो डीम हो जाता है, जैसे हम लोग ब्राइटनेस जो कम करते हैं उसके जैसा। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से, ये देखिए। उसके बाद बात आती है कैमरा की। तो जैसे हम कैमरा पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं मैंने कैमरा पे क्लिक किया और यहाँ पे हमारा कैमरा ऑन हो चुका है। तो इसके थ्रू आप अपने कैमरे को भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है फ्रंट कैमरे की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको VT कैमरा लिखा हुआ है। तो VT कैमरा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ही मैं VT कैमरे पर टैप करूँगा तो यहाँ पर मेरा फ्रंट कैमरा ऑन हो जाएगा। ये देखिए कुछ इस तरीके से आपको देख, ये देखिए आपको दिख पा रहा होगा। तो आप इस तरीके से अपने फ्रंट कैमरे को भी आसानी से चेक कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है ब्लूटूथ की। तो जैसे आप ब्लूटूथ पर टैप करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका ब्लूटूथ यहाँ पर ऑन हो चुका है। तो आप इस तरीके से अपना BT भी यहाँ से चेक कर सकते हैं कि BT सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं TSP.mode। तो जैसे इसे हम क्लिक करेंगे तो आप ये देख सकते हैं कि आपका टच सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं। तो जहाँ पर भी आप टच करेंगे वहाँ पर एक बन जाएगा डॉट, ये देखिए आपको दिख रहा होगा, ये देखिए पिंक कलर का। तो आप इस डॉट के जरिए आप जान सकते हैं कि आपका जो टच है वो कम्प्लीटली तरीके से काम कर रहा है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं मेरे फ़ोन का टच बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है और ये डॉट बिल्कुल मेरे फिंगर को फॉलो कर रहा है। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं TSP ग्रिड मोड। तो जैसे मैं इसे टैप करूँगा तो आप यहाँ पर अपना टच भी चेक कर सकते हैं कि आपका टच सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं। ये देखिए, तो आप एक लाइन पर अगर ये टच कर रहे हैं तो आपका जो जो कलर है ग्रीन कलर को एक लाइन पर ही जा रहा है कि नहीं। ये देखिए कुछ इस तरीके से। अगर आप इसे राउंड करते हैं ये, तो इस तरीके से आपका जो टच है वो काम करना चाहिए। तो आप देख सकते हैं मेरा टच बिल्कुल ही अच्छे तरीके से यहाँ पर वर्क कर रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए जैसा मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये देखिए, तो ये कंप्लीट अच्छे से वर्क कर रहा है। तो अगर आप अपने लिए एक सेकेंड हैंड डिवाइस ले रहे हैं तो आप बड़ी आसानी से उसे चेक कर सकते हैं कि फ़ोन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। या फिर नए फ़ोन में भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको तो आप सर्विस सेंटर वालों को क्लियरली बता सकते हैं कि मेरे फ़ोन पर ये प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ से हम हो जाते हैं बैक। उसके बाद सेंसर की बारी। तो जैसे हम सेंसर पर आएंगे तो ये देख सकते हैं एक्सेलेरोमीटर सेंसर है। तो देखिए अगर मैं इसे टर्न कर देता हूँ इस तरीके से तो एरो का निशान देखिए ऊपर की तरफ। अगर मैं करता हूँ इसे ऐसा, तो ऐसा, उसके बाद ऐसा, तो मेरा जो सेंसर है बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है, आप देख सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम प्रॉक्सिमिटी सेंसर की। तो जैसे मैं इसे टैप करता हूँ तो प्रॉक्सिमिटी सेंसर होता है हमारा यहाँ पे जो हमारे कॉलिंग पे काम आता है। तो ये देखिए वर्किंग रिलीज, वर्किंग रिलीज। तो यह बड़ी आसानी से आप अपने सेंसर को भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर 12 नंबर में दिया हुआ है लाइट सेंसर। तो मैं आपको बता दूँ कि हमारे J7 2015 2016 दोनों में ही लाइट सेंसर आपको नहीं दिया गया है। तो अगर आप यहाँ पर लाइट सेंसर को चेक करना चाहेंगे तो यहाँ पर सेंसर मिसिंग है तो आप इसे चेक नहीं कर पाएंगे। लाइट सेंसर का मतलब मैं आपको बता दूं, जो ऑटो ब्राइटनेस होती है उस
मतलब जो ऑटो ब्राइटनेस जो वर्क करता है वो लाइट सेंसर के थ्रू काम करता है। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसा बंद कर देता तो यहाँ पे आपको रिलीज एंड वर्किंग का निशान आ जाता, बट यहाँ पे हमारे पास लाइट सेंसर नहीं है तो इससे हम स्किप कर देते हैं। तो ये रहा कुछ इस तरीके से, तो आपने फ़ोन की हेल्थ को बहुत आसानी से चेक कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं सेकेंड कोड की तरफ। तो यहाँ पर हमको टाइप करना है *#0*###. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी जो कोड है ये स्पेशली सैमसंग के लिए है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी। तो यहाँ से भी आप अपने डिवाइस को कम्प्लीटली चेक कर पाएंगे कि आपके डिवाइस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो सबसे पहले आती है डिस्प्ले। तो यहाँ से जैसे हम रेड पर टैप करेंगे तो ये देख सकते हैं रेड कलर ऑन हो चुका है। उसके बाद हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं सेकेंड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रीन है, तो इसे कर टाइप करके हम देख सकते हैं ग्रीन में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो ग्रीन है वो कंप्लीट ग्रीन है और कहीं पे भी आपको कोई डॉट या कोई भी इशू नज़र नहीं आ रही है आपके डिस्प्ले में। तो इस तरीके से आप अपने डिस्प्ले को चेक कर सकते हैं। उसके बाद है ब्लू। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये देखिए ब्लू कलर बिल्कुल ही साफ़ है, सुथरा है और यहाँ पर आपको कोई चीज़ भी दिक्कत नहीं दिख रही है। तो आपका डिस्प्ले बिल्कुल ही अच्छे से वर्क कर रहा है, आपके जो भी कलर हैं वो काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहे हैं। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिसीवर। तो ये रहा हमारा रिसीवर, मैं आपको माइक पे सुना देता हूँ। ये देखिए, तो इस तरीके से आप अपने रिसीवर को भी चेक कर सकते हैं बड़ी आसानी से। उसके बाद हम यहाँ से हो जाते हैं बैक। उसके बाद देखते हैं वाइब्रेशन। तो ये रहा हमारा वाइब्रेशन। तो ये देखिए आप लोग को वाइब्रेशन भी पता चल गया होगा। तो ये भी हम चेक कर लिए, यहाँ से भी हो जाते हैं हम बैक। उसके बाद आती है डीम। तो डीम इसमें काफ़ी अच्छे से शो करेगा, आप देख सकते हैं। ये देखिए, उसमें आपको समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि वो एकदम वाइट पे था, लेकिन आप यहाँ पर अपने डीम को समझ सकते हैं, अपने डिस्प्ले की डिम लाइट को आसानी से देख सकते हैं। तो यहाँ से भी हो जाते हैं हम बैक। तो ये देखिए यहाँ से भी हम हो गए बैक। उसके बाद बारी आती है हमारे कैमरे की। तो ये देखिए जैसे मैं यहाँ पे टैप करूँगा तो यहाँ पे हमारा कैमरा हो जाएगा ऑन और हम अपने कैमरे को आसानी से चेक कर सकते हैं कि वो सही तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं। उसके बाद बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। तो आगे की तरफ आता है सेंसर। तो जैसे हम सेंसर पर टैप करेंगे तो ये देख सकते हैं हमारे फ़ोन पे यहाँ पे दो सेंसर वर्क कर रहे हैं, एक्सेलेरोमीटर और यहाँ पे प्रॉक्सिमिटी सेंसर। तो आप एक्सेलेरोमीटर को यहाँ से, मैं आपको यहाँ पे ऑटो फोकस करके दिखा देता हूँ, तो काफ़ी ये देखिए, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सेंसर है वो अच्छे से वर्क कर रहे हैं। और उसके बाद प्रॉक्सिमिटी सेंसर की बात करें तो ये देखिए कुछ इस तरीके से प्रॉक्सिमिटी सेंसर वर्क कर रहा है और आप बड़ी आसानी से पता लगा सकते हैं। तो ये भी हमारा हो गया है। तो इससे भी हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो यहाँ से हम हो जाते हैं बैक। तो ये हो गया हम बैक। उसके बाद बात आती है हमारे टच की। तो जैसे ही हम यहाँ पे टच को टैप करेंगे तो ये देख सकते हैं यहाँ पे हमको ये फिलअप करना है। इसे जैसे ही हम कंप्लीट फिलअप कर लेंगे तो हमारा टच जो है वो पास हो जाएगा। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से, अगर आपके डिस्प्ले में कोई प्रॉब्लम या टच में कोई प्रॉब्लम होगी तो ये फिलअप नहीं हो पाएगा। ये देखिए, तो हमारे यहाँ पे डिस्प्ले में और टच में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम बड़ी आसानी से अपने टास्क को कंप्लीट कर पा रहे हैं। ये देखिए, तो ये हमारा टच है जो बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है। उसके बाद बात आती है स्लिप की। तो यहाँ पे लॉक हो जाएगा हमारा फ़ोन। तो जैसे ही मैं इसे करूँगा ये देखिए, तो हमारा फ़ोन यहाँ पर लॉक हो गया, स्लिप मोड में चला गया है। तो इसे हम यहाँ से ऑन कर लेते हैं। ये देखिए, उसके बाद बात आती है मेन स्पीकर की। तो ये देखिए हमारा स्पीकर टेस्ट, तो ये हो गया हमारा स्पीकर टेस्ट। उसके बाद आता है यहाँ पे की बारी। तो की पे हमारा आता है बैक, ये देखिए कलर चेंज हो गया। यहाँ पे आता है रिसेंट, कलर चेंज हो गया। उसके बाद होम, देखिए कलर चेंज हो गया। तो हमारा जो ये सारी की हैं वो भी बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, तीनों की हमारे काम कर रहे हैं। तो ये भी हम यहाँ पर चेक कर पाए। उसके बाद बात आती है फ्रंट कैमरे की। तो यहाँ पर मैं फ्रंट कैमरा भी ऑन करके दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, ये हमारा फ्रंट कैमरा और हमारा फ्लैश ऑन हो चुका है। तो आप बड़ी आसानी से देख पाएंगे कि हमारा फ्रंट कैमरा अच्छे से वर्क कर रहा है। उसके बाद बात आती है ब्लैक की। यहाँ पे आप यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी चेक कर सकते हैं। तो ये फ़ोन की फ्रीक्वेंसी, बट इसका साउंड आपको आएगा कि नहीं मुझे नहीं पता, मैं आपको यहाँ पर इस माइक पर प्ले करके दिखा देता हूँ। तो कुछ इस तरीके से आवाज़ आएगी, आई होप आप लोगों को यहाँ पर सुनाई दे रहा होगा। तो इस तरीके से आप अपने फ़ोन की फ्रिक्वेंसी भी बड़ी आसानी से चेक कर सकते हैं। उसके बाद बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। तो यहाँ पे आपको ब्लैक दिख जाएगा। तो आप देख सकते हैं जैसे ही ब्लैक हुआ, हम ब्लैक पे टैप करते हैं तो हमारा जो डिवाइस है, हमारा जो स्क्रीन है वो पूरी तरीके से ब्लैक हो गया। तो आप सभी जानते हैं सुपर एमोलेड में ब्लैक बहुत ही डार्क ब्लैक होता है क्योंकि इसके सारे LED बंद हो जाते हैं, तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। तो ये हमारा हो गया ब्लैक टेस्ट। अब इसे हम यहाँ से हो जाते हैं बैक। ये देखिए, तो हम यहाँ से हो गए हैं बैक। तो कुछ इस तरीके से आप अपने डिवाइस को बहुत ही आसानी से चेक कर पाएंगे।
तो उसके बाद हम यहाँ से हो जाते हैं बैक, उसके बाद चलते हैं सेकेंड कोड की तरफ। तो हमारा जो सेकेंड कोड है मैं आप लोग को बता देता हूँ, ये है स्टार हैज़ 1 2 3 4 हैज़, 1 2 3 4 हैज़। तो जैसे ही आप इसे टाइप करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप अपने फ़ोन का जो सॉफ्टवेयर का वर्ज़न देख पाएंगे, जो मॉडल नेम है वो देख पाएंगे। ये काफ़ी ज़रूरी होता है आपके लिए अगर आप अपने में एक स्टॉक रोम फिर से फ्लैश करना चाहते हैं, तो आप यहां से अपने मॉडल नंबर को चेक कर सकते हैं, या फिर कंपनी में आपको बताना है कि आपके डिवाइस में कोई प्रॉब्लम आ रही है, या आप जानना चाहते हैं कि आपका मॉडल नेम कौन सा है, तो आप यहां से बड़ी आसानी से चेक कर सकते हैं। यहां पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, जैसे AP, CP, CSC और मॉडल नंबर SM J700F। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। तो इस कोड के ज़रिए आप अपने फ़ोन के सॉफ्टवेयर के बारे में बड़ी आसानी से और मॉडल नेम के बारे में बड़ी आसानी से जान सकते हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट कोड की तरफ। तो नेक्स्ट कोड में हम जैसे ही डायल करेंगे स्टार हैज़ 0228 हैज़, तो यहाँ पे आप अपनी बैटरी स्टेटस को देख सकते हैं। तो आपका बैटरी यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपकी वोल्टेज कितनी है, बैटरी की लेवल कितना है यहाँ पे देख सकते हैं, आप लेवल पे ब्लॉक कितने हैं देख सकते हैं, करंट जो AD मिल रहा है वो कितना मिल रहा है देख सकते हैं, आपका बैटरी हेल्थ यहाँ पे कंप्लीट आप देख सकते हैं। तो इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा आपकी बैटरी की हेल्थ कैसी है, तो आप बड़ी आसानी से जान पाएंगे कि आपका बैटरी कैसा वर्क कर रहा है। तो ये तो थे सैमसंग के 4 कोड जो आपके सैमसंग डिवाइस के लिए ही हैं। आप इस कोड को यूज़ करके अपने सैमसंग डिवाइस के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान सकते हैं। उसके बाद आता है 5th कोड। तो ये कोड सैमसंग के साथ साथ हर एंड्रॉयड पे काम करेगा, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो ये कोड भी मैं आप लोग को बता देता हूँ। तो ये है स्टार हैज़ 06 हैज़। इसके थ्रू आप अपने फ़ोन का EMEI नंबर जान पाएंगे, जो कि काफ़ी ज़रूरी है। अगर आप अपना एक फ़ोन परचेज़ करते हैं सेकेंड हैंड, मोस्टली नए में तो सब प्रॉब्लम नहीं होती, अगर आप सेकेंड हैंड फ़ोन परचेज़ करते हैं तो आप ये ज़रूर देख लीजिएगा कि आपके सेट में जो EMEI नंबर है वो सही है कि नहीं। तो ये सारे कोड थे, ये टॉप 5 कोड थे जो आप लोगों के साथ मुझे शेयर करने थे, जो काफ़ी यूज़फुल हैं आप लोगों के लिए। तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं रोज़ाना आप लोग के लिए नए नए वीडियो लेकर आते रहता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू।